तो ये MIT खारदुंगला 17,982 फीट खारदुंगला कवर, ये खारदुंगला क्रॉस करती फिर दोबारा से ये बंद हो रही बाइक मेरी। चल सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। आज मैं हूँ ले में। तो जो लोग रैंडमली मेरे इस वीडियो पे आए हैं उनको बता दूं कि हमारी ले लद्दाख राइड का जो है आज है 7वां दिन। अभी हम लोग हैं ले में और ले से हम लोग जा रहे हैं नुब्रा, क्योंकि अभी हमें यहाँ से हो गए 12 बज चुके, बहुत देर हो गई है, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों इस राइड पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की फेस करने को मिल रही हैं। विनय भाई की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है मतलब डाटा जो पहले और दूसरे दिन का था वो सारा अभी उसमें रह गया है और रिकवर करना पड़ेगा जाके। एक मैसेज है जूम कार वालों के लिए, जो लोग जूम कार रेंट करके ले आना चाहते हैं वो ले आप घूम नहीं सकते। आप ले पहुंच सकते हैं बट लोकल ले नहीं घूम सकते आप लोग जूम करके। तो अपनी जूम कार हम यहीं छोड़ रहे हैं ले में और यहाँ से बाइक रेंट करके जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं, बाइक का सामान वान सारा पहुँच चुका है, बाइकें लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर इसी मंथ में लगाया था हमने काजा में ये फ्लैक्स और अब लगा रहे हैं ले में। सारी खड़ी है हमारी जूम कार की, आगे जा नहीं पा रही है तो बाइक लेके निकल गए डॉक्टर साहब, आगे पेट्रोल पंप पे मिलेंगे दिखा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की राइड। टाइम हो गया 1:19 और मीटर पे रीडिंग है 16,884। खारदुंगला इधर है 39, लेकिन हमें यहाँ से जाना है पहले। देखिए गेट कितना सुंदर बना हुआ है यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल भराकर फिर जाएंगे हम उस तरफ खारदुंगला की ओर। तो 813 का पेट्रोल भरवा लिया है 16,887 पे। तो हमारे साथ दो बाइकर और जुड़ गए, दिव्यांशु और पारस। तो दिव्यांशु और पारस हमारे साथ जाएंगे। सर बंद हो रही है, ये बंद हो रही है बार बार, स्टार्ट नहीं हो रही, देर पर देर हो रही है। इसको भी यहाँ पे आके ख़राब होना था। तो दोस्तों जैसे ही हमने पेट्रोल भरवाया और आज के दिन की मुसीबत की शुरुआत यहीं ले से ही हो चुकी थी, और क्योंकि बाइक बार बार बंद हो रही थी हमने नॉर्मल रूटीन चेकअप किया और रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पर फ़ोन भी किया तो उन्होंने बोला कि आपने फुल टैंक करवाया तो एक बार टैंक खोल के उसको दोबारा बंद कर दीजिए ताकि जो एयर प्रेशर बना है वो निकल जाएगा, लेकिन उसका भी कोई बेनिफिट हुआ नहीं खासा। उसके बाद भी ये बार बार बंद हो रही थी। अरे फिर बंद हो रही है, फिर बंद हो रही है यार, ये तो प्रॉब्लम कर देगी मेरे को इस तरीके से आ रही है। मिसिंग मार रही है अभी, फिर बंद होगा थी, मिसिंग मार रही है ये। तो हमें जाना है यहाँ से राइट, पहले हम यहाँ से गए थे सीधा क्योंकि हमें भरवाना था पेट्रोल। खारदुंगला यहाँ से 39 और चलो बाकी आगे देखते हैं, जो किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। तो जो डॉक्टर साहब की हमने बाइक ली थी रेंट पे उसकी चेकिंग हो रही है। ठीक है, हम लोगों की चेकिंग या पेपर वगैरह नहीं पूछे तो पेपर दिखा दिए, अब चल रहे हैं आगे। यू आर ऑन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड VRO। टाइम हो गया 2:07, खारदुंगला रह गया यहाँ से 34 किलोमीटर, साउथ कुल्लू यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर। मीटर में रीडिंग 16,894। शायद यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, चेक पोस्ट है सामने। क्या दिखाना है? क्या लिखना है? अच्छा छोटा सा ब्रेक लिया खाने के लिए, खारदुंगला रेस्टोरेंट साउथ पुल्लू पे कुछ खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो 3:32, 16,914 मीटर में रीडिंग
तो साउथ पुल से निकल गए हैं, वहाँ खारदुंगला रेस्टोरेंट पे पी थी चाय और मैगी खाई है। 15,300 फीट पर है साउथ पुल्लू और यहाँ से है 14 किलोमीटर खारदुंगला, वो वहाँ टॉप पर है, वहीं जाना है हमें। पहुँच चुके खारदुंगला हाईएस्ट मोटेबल रोड। वेलकम टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। खारदुंगला टॉप नॉर्थ पुल्लू 14, कल्सर 56, नूबरा सैंड ड्यून्स 86। तो अभी हम फ़ोटो वोटो खिंचाएँगे और फ़ोटो वोटो खिंचा के जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना नहीं है। वैसे भी हम अपने टाइम शेड्यूल से बहुत पीछे है। तो ये माइटी खारदुंगला 17,982 फीट और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो एक अचीवमेंट और जुड़ गई हमारे लिस्ट में, खारदुंगला कवर। चलो अबे फिर बंद हो रही है। चार बज के 30 मिनट, 4:30 हो चुके हैं। 16,929 मीटर में रीडिंग। अब यहाँ से हमें डाउन ही जाना है, बहुत सर्दी है, ज़्यादा देर हम रुके नहीं क्योंकि यहाँ पे माउंटेन सिकनेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। हमने फ़ोटो वीडियो थोड़ी सी बनाई है और हम चल दिए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि खारदुंगला हमने क्रॉस कर लिया और असली मुसीबत की शुरुआत तो यहाँ से होने वाली थी और आज की राइड मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली थी। तो इस व्लॉग को देखिए आगे कि मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ। दोस्तों अभी खारदुंगला क्रॉस करती फिर दोबारा से ये बंद हो रही है बाइक मेरी, चलते चलते पता नहीं क्या हुआ इसको, बार बार करंट छोड़ देती है। चलो देखते हैं। और इस पॉइंट के बाद मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई और इस कंडीशन में हम अपनी बाइक को डिस्किट तक किस तरह ले गए वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। चलो भी देखते हैं ऐसे कहाँ तक जाती है, ऐसे ले चलते। अभी टाइम है 5:25 और ये आ गया सामने नॉर्थ पुल्लू। तो भाई हम पहुँचे नॉर्थ पुल्लू और मुझे रितेश को आ रही थी नींद बहुत तगड़ी, मैंने सोचा मुझे आ रही है, इसने सोचा इसको आ रही है, बोलते हुए इतनी सांस फूल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी चाय पिए और बाइक को देखते धक्का लगा के आगे ले जाते, थोड़ी आगे जाके अगर ये स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नहीं तो अरे हो जा यार हो जा प्लीज़। इसका इग्निशन कभी आ रहा है कभी जा रहा है। हो जा मेरे भाई। अरे यार ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा इसको ढलान तक, पंगे हो गए आज तो, क्या किया जाए, अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। थोड़ा धक्का मार के ढलान से लुढ़काते हुए लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई क्या हुआ भाई
अगर ये ऐसे ही रहा ना तो आगे जाना पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों देखते कहाँ तक जा पाते। टाइम हो गया 5:44, 16,945 मीटर में रीडिंग। ऐसे ऐसे ख़राब रोड पर ऐसे न्यूट्रल में चलानी पड़ रही है, बाइक स्टार्ट हो नहीं रही, शायद इग्निशन इसका ऑन नहीं हो रहा है। और सारे राइडर आगे निकल गए, मेरे साथ ही रितेश है। तो हम लोगों ने देख सोचा है कि भी जहाँ कोई पहला स्टे मिलेगा और नेटवर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो जहाँ भी रहने की जगह मिलेगी, खारदों में एक जगह है बताइए, वहाँ पे एक पर्सन ने हमें लोकल ने, तो खारदों में हमें होम स्टे मिल सकता है। तो वहाँ जाके देखेंगे, अगर नेटवर्क आ गया तो अपने साथियों को फ़ोन कर देंगे कि जी मेरी बाइक में हो रहा है पंगा, स्टार्ट नहीं हो रही है, और फिर डिस्कस करके देखते कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैकेनिक मिलना बहुत ज़रूरी है इसका। अब वो खारदों में मिलेगा या नहीं, या आगे से लेके आना पड़ेगा, अब वो आगे देखते रहिए क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि आज तो बैंड बज गई। देखिए रास्ते देखिए, अभी तो चलो खारदुंगला से लेके यहाँ तक नॉर्थ कुल्लू तक भी सब ढलान है, तो मैं आ भी पाया यहाँ तक, और अगर ढलान नहीं होती तो मैं चढ़ाई पे कैसे चढ़ाता इसको, धक्का भी नहीं मार सकते। और देखते हैं आगे क्या होता है। खारदुंग तक तो पहुँचे, 30 किलोमीटर बताया उसने नॉर्थ कुल्लू से। पूरी तरह से बाइक को कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर स्पीड कम हुई तो परेशानी है, स्पीड ज़्यादा हुई तो परेशानी है, तो इसलिए स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। रास्तों पे इस रास्तों पे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सडनली कोई पत्थर ज़्यादा बड़ा या गड्ढा आ जाता तो ब्रेक मारने पड़ते ही पड़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, बने रही है इस ब्लॉग में। तो अभी खारदुंग विलेज से कुछ किलोमीटर पहले रुके हैं, मैं अपने आप ही ज़रा बैटरी तारे वारे चेक कर रहा हूँ। ये बैटरी का फ्यूज़ है, इस पर थोड़ा कार्बन जमा हुआ है, इसे बदल के देखते हैं, क्या पता इससे कुछ हो जाए। ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ है, इसको यहाँ लगा दिया। स्टार्ट करके देखते हैं, नहीं हो रही, हो गई। अरे यार ये क्या हो रहा है, क्यों हुई थी, फिर एक निशा है चला गया, नेटवर्क आ गया है, साथियों से बात हो गई, और 6 किलोमीटर आ गए यहाँ से। तब तक थोड़ी मैगी वैगी खाते हैं। अरे रे रे इतना ठंडा पानी, ओ बाप रे, थोड़ा सा काम करते करते भी सांस बहुत फूल रही है यहाँ पे। अच्छा यूँ कह रहे किसी तरह आ जाओ, यूँ नहीं कह रहे कि हम आ रहे हैं। तो भाई हम तो यहीं होटल वोटल देख ले, अगर ये होम स्टे वगैरह है तो यहीं पड़ जाते हैं हम तो। चलो मैगी खाते फिर सोचते आगे क्या करना है। तो बैटरी वायर वगैरह चेक तो कर लिया सब, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फ्यूज़ भी मैंने रगड़ के देख लिया। अब इस पुल के ऊपर थोड़ा चढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद ढलान पर से फिर वैसे ही जाएंगे जैसे खारदुंगला से यहाँ तक आ गए। या आपने पूछा कोई होम स्टे वगैरह है, वो कह रहे हैं आपको होम स्टे खारदों में मिल सकता है, अगर वहाँ फुल हो गया होगा तो फिर खलसर में, तो भी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सांस ये बहुत फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, थोड़ी सी बाइक खींचने में ऐसी तैसी हो गई है।
तो अब देखते हैं हमारी बाइक कब और कहाँ पहुँचती है। तो शुक्र है खारदुंगला क्रॉस करने के बाद बंद हुई, तभी हम इधर नूबरा की साइड जा पा रहे हैं, वरना तो हमें खारदुंगला से पहले बंद हुई होती तो फिर ले जाना पड़ता वापस। अब देखते हैं कितनी देर में कहाँ तक पहुँचते हैं। रितेश मेरे साथ है, अगर ये साथ नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो दोस्तों इससे आगे की जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी डार्क है, लेकिन आपको मेरी आवाज़ सुन के पता लग जाएगा कि मेरी बैंड बजी थी और मेरी हालत कितनी ख़राब थी। आज तो ऐसी तैसी करा दी, ऐसा लग रहा है दिल निकल के बाहर आ जाएगा। कहाँ पे वो क्या? कहाँ पे वो पहले सिटी के अंदर ही वहीं से वहीं बैठे हुए हैं। अरे यहाँ पे हमारी फटके ऐसी चार हो गई है। अबे दिल काबू में नहीं आ रहा यहाँ से यहाँ तक चढ़ाने में। ओह इसको चला लो, आपको ढलान है, मैं उसको खींच लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ढलान पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जला ले बस तू। अबे धक्का मार के ढलान पे ले जानी पड़ेगी। खारदुंग तो आ गया ये। हाँ तो ये अंदर ही होंगे वो। ऑल्टीट्यूड 14,730 बता, 14,700 पे बाइक खींच रहे। आज तो भाई सच में सुबह से पनौती लगी हुई है, हालत ख़राब हो गई। 10-20 मीटर ही खींचा होगा बाइक को चढ़ाई पे और अभी तक सांसें काबू में नहीं आ रही है। ओह यार हालत ख़राब हो गई भाई, गिर भी गई सर। डियाड़ी भैया कैसा कर रहे हो? अबे चढ़ाई पे चढ़ाता ना तेरा दिल बाहर आ गया, तुम लोग तो भाग के आ गए। अब अरे स्टार्ट ही नहीं हो रही तो क्या करूं? तो दोस्तों अभी ये मिल गए हमारे दोस्त आगे, अभी हमने अज्जू भाई जो मैकेनिक है हमारे दोस्त दिल्ली में, वहाँ से फ़ोन करके पता किया है। वो कह रहे हैं इसके जो इग्निशन की वायर को डायरेक्ट करके देखो एक बार, तो वही कोशिश कर रहे हैं हमारे सब भाई मिल के। टैंकर भाई लगे हुए अपने, तो नहीं आएगी ना अज्जू भाई? अब मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको डायरेक्ट में, मतलब बैटरी वैटरी में दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑफ ही नहीं करूंगा जहाँ पहुँचना है वहाँ तक। ठीक है अज्जू भाई, ओके गुड नाइट। तो भाई हैंकर राइडर और हमारे अज्जू भाई की वजह से बाइक हो गई स्टार्ट। हाँ तो भाई हालत ख़राब हो गई, फेफड़े मुँह में आ रहे थे। 7:27 हो गए। चलो जी अब यहाँ से निकल रहे डिस्किट की तौर, 16,962 मीटर में रीडिंग। चल डिस्किट बताया 45 किलोमीटर यहाँ से, तो आराम आराम से चलेंगे। आखिरकार इतनी मुसीबतों के साथ राइड ख़त्म कर रहे हैं आज की। अभी हुए 9:14 और ये है कांगलोमा रिट्रीट करके है कोई गेस्ट हाउस, तो वहाँ पर आए अभी हम। आज का स्टे हमारा ये होगा डिस्किट में। तो दोस्तों फाइनली जैसे कि आपने देखा आज कितनी मुसीबतों भरा दिन था हमारा। क्यों सुशांत नाइट राइडिंग करने में इतना मजा आया ना? नाइट राइड करनी नहीं चाहिए लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। मजा हुआ आपको सुशांत? सुशांत कह रहा हूँ, सुशांत को ये रितेश आज दिमाग थोड़ा सख्त पकाया हुआ है क्योंकि हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन लेवल की कमी है और डिस्किट में आज रुके हैं कौन, तो अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज का वीडियो करते यहीं पे है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है और बोलने वाले में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का करते हैं आज एंड। तो कल तक के लिए गुड बाय गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही था आज तक के लिए, गुड नाइट।